मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 23,000 करोड़ की धनराशि लंबित है जिसे नहीं दिया जा रहा। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह किया है। प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य समान हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कोषागार कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। इससे संबंधित तथ्य RBI और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से सत्यापित किया जा सकता है। सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए में 9,300 करोड़ रुपए पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा के बाद आवश्यकता आकलन से संबंधित है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को ही 8,000 करोड़ रुपए जारी किए, प्रदेश को कुछ नहीं दिया। नई पेंशन योजना की 9,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास ये भी लंबित है। भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हिमाचल प्रदेश के हक में दिए फैसले के बावजूद 4500 करोड़ भी राज्य को अभी तक नहीं मिले हैं। अगर केंद्र लंबित राशि जारी कर दे तो हिमाचल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को शीघ्र ही हासिल कर लेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बोर्डों और निगमों में केवल 14 अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है, जबकि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के दौरान इस प्रकार की 56 नियुक्तियां की गई थी। सुक्खू ने कहा कि अलग अलग बोर्डों निगमों के कर्मचारियों पेंशनभागियों को महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन की अदायगी की जा रही है। वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के सरकार ने नकदी प्रवाह असंतुलन को ठीक करने का निर्णय लिया है। सरकारी विभागों के कर्मियों को महीने की 5 तारीख को वेतन दिया जा रहा है। इससे ऋण के ब्याज में हर महीने 3 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। किसी भी कर्मचारी का वेतन भुगतान अब तक नहीं रुका। सरकार ने 1.36 लाख का सरकारी कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की और पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।